जब आप संजू फिल्म देखने गए होंगे या जाएंगे तो ये सोचकर भी चल रहे होंगे कि संजय दत्त की पहली वाइफ, दूसरी वाइफ, इन सब का जिक्र होगा और जरूर जिक्र होगा संजय की पहली बेटी त्रिशाला दत्त का। लेकिन आपको पहले ही बता देता हूं, कहीं पर जिक्र नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच का एक खास जिक्र, एक खास कहानी मैं आपको सुनाता हूं। संजय और त्रिशाला के बीच की एक ऐसी कहानी जिसमें संजय दत्त कहते हैं कि अगर त्रिशाला हीरोइन बनना चाहती है तो मैं उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगा। दत्त परिवार में एक परंपरा रही कि जैसे ही कोई उनके परिवार की बहू बनती है, बीवी बनती है, तो उसे फिल्म इंडस्ट्री से काम छुड़वा दिया जाता है। एक ऐसा ही सपना पाला था संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने, वो त्रिशाला दत्त जिसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी भी संजय दत्त ने शायद नहीं उठाई है। लेकिन जब उसे अपने सपने के चुनने की बारी आती है तो संजय दत्त उसका गला घोंट देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। ये कहानी मैं वहां से शुरू करता हूं जब संजय दत्त की मान्यता से शादी हो चुकी है, मान्यता के दो जुड़वा बच्चे हो चुके हैं, शहरान और इकरा, और संजय की पहली पत्नी यानी ऋचा की बेटी त्रिशाला 21 साल की हो चुकी है। हालांकि समय के साथ संजय और त्रिशाला के बीच रिश्ते काफी सुधर जाते हैं। त्रिशाला संजय को पापा ड्यूक्स कहकर बुलाती है, लेकिन ये वही त्रिशाला है जिसने कठिन दिन देखे थे। उसके पिता को आतंकवाद के मुकदमे के कारण बुरे हालात से गुजरना पड़ा था। त्रिशाला का बचपन मुंबई के अधिकतर फिल्मी सितारों के बचपन जैसा तो नहीं था, लेकिन त्रिशाला कहती हैं कि अन्य सितारों के बच्चों की तरह मेरे पास ये सुविधा नहीं थी कि मम्मी और डैड मेरे हर काम में मेरी मदद करें। मेरे पास ये सुविधा नहीं है कि मैं अपने पापा को एक फोन कॉल करूं और दूसरे बच्चों की तरह अपने लिए जो भी चाहूं वो मंगवा लूं, वो करवा लूं। लेकिन अन्य फिल्मी सितारों के बच्चों की तरह ही त्रिशाला को भी बॉलीवुड का नशा जरूर चढ़ गया। वो अपने पिता के करियर को ध्यान से देखती रही है, उनकी हर फिल्म देखती है। क्रिमिनल जस्टिस में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री के बाद उसने भी बॉलीवुड में अभिनेत्री बनने का सपना देखा। उसने अपना पूरा तरह से मेकओवर किया और यहाँ तक कि 20 किलो वजन भी कम कर लिया था, क्योंकि उसका सपना था बॉलीवुड में डेब्यू करने का, बॉलीवुड स्टार बनने का। लेकिन संजय इसके सख्त खिलाफ है। जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव पापा संजय दत्त ने साफ कह दिया कि बॉलीवुड में काम नहीं करना है। संजय ने इतनी सख्ती से ना कहा था कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि त्रिशाला हीरोइन बनना चाहती थी और मैं उसकी टांगे तोड़ देना चाहता था। इस तरह त्रिशाला के फिल्मों में काम करने के सपने का वही हश्र हुआ जो नरगिस का, ऋचा का, मान्यता का हुआ। उनके सपने जिस तरीके से टूटे थे, ठीक उसी तरीके से त्रिशाला के सपने को भी ये कहकर तोड़ दिया गया कि अगर वो हीरोइन बनना चाहती है तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इस पूरी कहानी पर आपकी राय आमंत्रित है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।